आमिर भाई अपना लगेज बांध रहा है। एक्चुअली अपनी R1 में यार फ्लैट टायर हो गया, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से फ्लैट हो गया पूरा। ये मोड में क्या होता है रे बाबा, पागल पंती हो जाती है यार ये मशीन। ये मोड में तो अच्छा लग रहा है, पीछे का भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कवर हो चुके हैं, बहुत अच्छा है। ये वाला ऊपर वाला रास्ता है वो एक्सप्रेस वे पे जाता है, अगर वहाँ पे मैं चल जाता तो मज़ा आ जाती। क्या आधे घंटे में घर पहुँच जाता पता है। चालू है एकदम, यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब पे बजट ना थी, पेट्रोल ना पैसा ना थी, एटले बीजू पेट्रोल खत्म हो गया यार इसमें। पेट्रोल खत्म हो गया यार, थोड़ा रिलैक्स भी ला लेके भैया की वजह से। थैंक यू भैया। यहाँ से 80 किलोमीटर होगा अपना घर। ये मेरे को एक्चुअली जट प्रभजोत भाई ने दिया। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आमिर भाई अपना लगेज बांध रहा है। एक्चुअली अपनी R1 में यार फ्लैट टायर हो गया, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, पर टायर पंचर हो गया। अभी देखते हैं क्या करेंगे इसका। शिवम भाई ने बोला है वैसे तो कि यहाँ पे है, बाकी ऑल सेट। फ्लैट हो गया पूरा। चलो बाय बाय। यहाँ से जाओगे, यहाँ से जट भाई बाय। उन लोग निकल गए, अब मेरे को फ्यूल पेट्रोल पंप देख के इसका करवाना पड़ेगा। यार सुबह सुबह पंचर एक तो नहीं अच्छा लगता है। ये हवा थसे हवा पूरी चला ली है ना। अरे यार पंचर वाला तो कोई अभी मिले नहीं है, अभी एयर फिल अप करके चलाना पड़ेगा यार। शिट गाइस देख लो, मिनी गोवा दिख रहा है। थैंक यू सो मच भाई। एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था, भाई ने मदद की और एक पंचर जैसा था आप लोगों को देखा जैसे, बट पता नहीं पंचर है नहीं, मना कर रहे हैं। अब लेट्स सी, देखते थोड़ा आगे जाने के बाद पता चलेगा। अभी फटाफट निकलते, सूरज से ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, गर्मी बहुत लगेगी। फटाफट यहाँ से निकलते, भाई मुझे आधे रास्ते छोड़ देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। लेट्स गो गाइस। तो हमारे साथ थे वो बात भाई थे, उन्होंने कोई तो मुझे हाईवे पर छोड़ दिया है, पर हाईवे है एक्चुअली बहुत अच्छा। पलसाना जाएगा ये रास्ता, पलसाना से नेशनल हाईवे आ जाएगा। बाकी ये रास्ता भी बहुत अच्छा है कि क्या जा रहा है, रास्ता अच्छा है। फटाफट घर जाते हैं, घर वाले भी वेट कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद राइड पे आना तो थोड़ा मतलब टेंशन होता रहा है, बहुत दिनों के बाद राइड पे निकलो तो ऑब्वियसली थोड़ा टेंशन होगा। ये पीछे वाला रास्ता मे भी, यस ये पीछे वाला रास्ता ही लग रहा है मुझे तो। हाँ फॉर श्योर पीछे वाला रास्ता मैं यहाँ से गया था क्या, शायद हो सकता है। लेट्स गो गाइस। ये मोड कर दूं क्या, क्या होता है रे बाबा, पागल पंती हो जाती है यार ये मशीन। ये मोड में तो क्या बोल दे रहा है यार ये।
मैन बहुत खतरनाक है यार ये मशीन, जिसको आती है उसको ही। बाकी तो ई मोड नहीं, स्टैंडर्ड मोड डन। ई मोड जैसा रोड है बट रिक्स नहीं लेना है, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। सुबह का टाइम है यहाँ तो वही सोच के कहीं भी घुस जाते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। माँ का मजे ही मजे। सॉरी के आसपास होता है तो मैं करवा देता हूँ। पहला अपना रहा मतलब 1100-1200 रुपये का, फिर अपना रहा 800 रुपये का मतलब 2000 रुपये का, फिर वापस से हमने करवाया 600 रुपये का मतलब 2600 रुपये का पेट्रोल हुआ था। ओ माय गॉड ये क्या है, बहुत ख़राब एक्सीडेंट हो गया। एंड फाइनली गाइस हम लोग अभी अहमदाबाद हाईवे पे चढ़ चुके हैं। सो एक टोल आ चुका है, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक पता नहीं क्यों इतना है, बहुत 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 ट्रैफिक है। एक्चुअली लास्ट टाइम भी जब सूरत आए थे, जब रिटर्न जाने के टाइम पे बहुत ट्रैफिक लगा था, और अभी भी सेम सीन है। पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक रहता है यार ये रोड पे। भाई साहब कहाँ बीच में कौन घुस रहा है, क्या है ये, क्यों है ये, इतना खराब सीन देख रहे हो यार, क्या ट्रैफिक है इसकी। देखो एक्चुअली हमने फ्यूल के लिए बाइक रोकी, फिर पता चला कि फ्यूल पंप तो बंद है, वो तो नया बन रहा है। अब देखते आगे कहीं करवाते हैं। सो फार हम लोग ने 80 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। हम फ्यूल पंप HP का आ चुका है, यहीं पे करवा लेते। बाजू में है गैलॉप्स TGR होटल और गैलॉप्स से फूड प्लाजा, बट हमको कहीं रुकना नहीं है, खाली फ्यूलिंग करवाते और निकलते हैं। फुल कर दो। सो गाइस अभी 800 का फ्यूल अप हो चुका है, पूरा 800 का फ्यूल अप हुआ है, और यहाँ से अहमदाबाद है 200 किलोमीटर। सो फार हम लोग ने पूरे 100 किलोमीटर्स कवर कर लिए, बाकी गैलॉप से बड़ रुकना नहीं है यहाँ पे। सोच रहा हूँ अभी पूरा जितना होता है उतना कवर कर लेता हूँ, प्यास लगी है बट नहीं रुकना। यार बस वाले कभी भी मतलब इंडिकेटर दिखाए बिना लेफ्ट राइट, ये रोड मुझे नहीं पसंद है यार। इससे पहले भी मैं सूरत ग्रुप के साथ मतलब मैं ऐसे आया था सोलो, बट ग्रुप के साथ जब रिटर्न जा रहा था ना तो बहुत हालत ख़राब थी, बहुत हालत ख़राब। चलो कोई नहीं अभी तो पहुँचते यार, सोलो है फटाफट पहुँच जाएंगे। सो मेरे को क्या सोलो का यही अच्छा है, मतलब रुकना नहीं पड़ता किसी के लिए कुछ नहीं, क्या नहीं ये रुक रहा है, मेरे को रुक रहा है, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को क्या, किसी को क्या, ठीक है तो वैसा सब होता नहीं है। अभी ये हाईवे पे भी ऐसा हो जाता ना, ये मतलब ऐसे रोड जो जाते हैं ना वन साइड कर देते तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। यार मैंने हवा चेक किया नहीं यार, पर वैसे लग तो नहीं रहा है, मस्त चल रहा है। हाँ नहीं है, हवा कम तो नहीं हुआ है। सो फाइनली गाइस इधर जाके थोड़ा खाली पैसे मिला है और मैंने डाल दिया ए मोड में, जितना जितना हो सकेगा उतना स्टेज। ये भाई साहब अपने को देख के एक्साइट हो गया, इधर उधर इधर उधर कट मार रहे हैं, आजू बाजू में से दो बार कट मार। बाकी ऐसे कोई होता है ना, ये तो मैं घर जा रहा हूँ इसलिए, बाकी ऐसा कोई होता है अगर मैं घर साइड मतलब कहीं चला रहा था कुछ होता है ना, जा भाई तू जा आगे मैं आराम से आऊँगा। सब गाइस अनदर टोल इज हियर, I'm
पे क्रूज कंट्रोल भी डलवा देंगे तो कितना मजा आएगा। नहीं वो चलता रहेगा अपने क्या ये मोड में, अभी तो 250 करके आ गया मैं, थोड़ा ही मतलब कवर किया, ज़्यादा नहीं। मैं सूरत से निकल चुका हूँ और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कवर हो चुके हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जूस है, बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा है। हालत खराब हो गई है गर्मी की वजह से, एक्चुअली बम्स पेन कर रहे हैं, प्यास लगी थी इसलिए मैं रुक गया हूँ। बाकी अभी आगे मैं अच्छे से रुकने वाला हूँ, थोड़ी देर बैठूंगा शांति से, क्योंकि बहुत हालत खराब हुई है और अब अहमदाबाद खाली 100 किलोमीटर्स ही बचा, सिर्फ 100 किलोमीटर्स। तो चलते हैं अभी ये पी के, फिर आगे कहीं अच्छी सी जगह पे रुकते हैं। व्हाट द फक, कट 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 है कि नहीं है भाई साहब? अच्छा ओके है फाइनली। भाई इतना पीछे से कौन रखता है यार, ओ माय गॉश। बहुत थक गया हूँ मैं वैसे तो, पर घर पहुँचना है जल्दी जल्दी, फटा फटा। क्या कर रहा है ऑटो वाला यार, चल ले। सो गाइस ये वाला ऊपर वाला रास्ता है वो एक्सप्रेस वे पे जाता है, अगर वहाँ पे मैं चल जाता तो मज़ा आ जाती क्या, आधे घंटे में घर पहुँच जाता पता है। ऊपर वो जाता है एक्सप्रेस वे पे और ये अपना नारोल होके, वाओ जी फाइनली टोल आ गया, मतलब अब आनंद आ गया, मतलब अब गैलोप्स आ गया। चालू है एकदम, YouTube पे आओगे, YouTube पे दुआ करना सक्सेस मिल जाए और कुछ नहीं। દિલથી રાખો ને ભંડારો ચાલે છે, અરે એક્ચ્યુઅલી બજેટ ઓછું છે મારા જોડે, દિનો ભંડારો ચાલે છે ના ભાઈ, શું નામ છે તમારું? ચિરાગભાઈ। હા ચિરાગ, ચિરાગભાઈ, ચિરાગભાઈ છે ને, અમને માસિક કિન્નર સમાજ ને દાન આપે છે જેટલું, અરે માસી બજેટ નથી, પેટ્રોલ ના પૈસા નથી એટલે બીજું કઈ નહીં, લો આ રાખો। એક્ચ્યુઅલી મારે શું ઓછા મે બોલના વો વિડિયો મે જાય હમારા કુછ નહીં, ઠીક હે ठीक। इन लोग की दुआ बहुत अच्छी लगती है, हो जाए। तो अच्छा चलो आज थोड़ा दुआ ले लिया फाइनली। पेट्रोल खत्म हो गया यार इसमें, यार शिट पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, कोई अगर लात मार दे थोड़ा तो अच्छा है। पेट्रोल खत्म हो गया यार, वो आगे है ना पेट्रोल पंप, अरे यार शिट, बस ये इशू है अपनी बाइक में अभी,
पहुँचते पेट्रोल पम्प, उसके बाद क्या लॉस। पर इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया मेरे को समझ नहीं आया। भैया ने बहुत अच्छा मैनेज करके रखा है। वाह, थोड़ा रिलैक्स भी ला लेके भैया की वजह से, थैंक यू भैया। बस आगे इंडियन का पेट्रोल पम्प आ गया है। पेट्रोल इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आया। कोई नहीं, बस आ गया। थैंक यू भैया। थैंक यू। फाइनली अब फ्यूलिंग करवाते हैं और निकलते हैं आनंद, और वहाँ जाके शांति से थोड़ा बैठेंगे, उसके बाद घर जाते हैं। अब कोई टेंशन नहीं है, अब एक बार फ्यूल में घर पहुँच जाएगी। लेट्स गो। कितने का होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मे बी नॉट श्योर, बट ये ब्रिज के बाद शायद गैलॉप्स आ जाएगा, पर मुझे दिख गया वो। फर्स्ट प्रॉपर ब्रेक आफ्टर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर। गाइस अभी हालत ख़राब हो चुकी है, अपनी R1 यहाँ पे रखी है। अब बस अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर्स होगा अपना घर। बाकी कितना मर्डर्स कर दिया मैंने देख रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें लगी हुई यहाँ पे मेरे जैकेट्स पे, हेलमेट पे, बहुत सारी चीज़ें। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। जो भी होता है मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। बाकी फ्यूल क्या हो गया, ख़त्म नहीं, पता नहीं चला। अभी सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही फ्यूल आया और फुल हो गया, पता नहीं अभी क्या है, आगे देखते हैं। कुछ इंस्टाग्राम की स्टोरीज ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस अभी फॉलो करो यार व्लॉग को। हाँ, क्या लग रही है यार अपनी बाइक, सेक्सी, कसम से सेक्सी लग रही है बे तेरी। स्टोरी एक दी गलती से मैंने। चलो निकलते गाइस यहाँ से फटाफट, घर पहुँचते, बहुत थक चुका हूँ। ठीक है, अभी ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा, सोच रहा हूँ घर जाके व्लॉग करूँ। कोई नहीं, लेट्स गो, चालू कर देता हूँ मैं इसको, निकलते हैं यहाँ से। भाई क्या है, गर्मा गर्म बाइक हो रही है यार। रिएक्शंस तो मिलेंगे ही अपनी बाइक शुरू हो गए तो। कोई नहीं अभी निकलते। क्या रिएक्शंस मिल रहे गाइस, गर्मी फिर से। फाइनली 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 लास्ट एंड फाइनल टोल। एक्चुअली क्या है ना, 2 दिन से आराम नहीं किया। ठीक है, कल भी अर्ली मॉर्निंग सुबह निकलना था, मतलब रात को 1:30 बजे मैं सोया और सुबह 3 बजे उठ गया, क्योंकि फिर बाइक वॉश किया, ये किया, वो किया, सब पैकिंग किया, ये सब करने में। और आज भी सुबह रात को, मतलब समझो कि वो सोते सोते ऑलमोस्ट हो गया, 1 बज गया था। तो फिर सुबह पता नहीं रेंडमली सुबह में आँख खुल गई, 6 बजे मैंने बोला फाइनल अच्छा है, आँख तो खुल गई। फाइनली आई रीच अहमदाबाद, नारोल सर्कल पहुंच गया हूँ। बस अब आगे ट्रैफिक ना मिले तो अच्छा है। हालत टाइट है, बहुत खतरनाक वाली टाइट है। बस अब फटाफट इधर तक आ गए, हम घर पहुंचने में बात लग जाएगी। गाइस घर आ गया था और देख रहा हूँ मतलब कैसा पड़ा है सब। ये इनर्स है मेरे, ये राइडिंग पैंट, जैकेट, ये वो सब ऐसा ही पड़ा है। और
ये मेरे को एक्चुअली जट प्रभजोत भाई ने दिया, एक्चुअली उनके पास रखने की जगह नहीं थी और ये राम मंदिर है, कोई अच्छे मतलब सब्सक्राइबर ने दिया है, तो मैंने बोला मंदिर है तो ले जाता हूँ, मामा को दे दूँगा। और मैं सेफली घर आ गया था, एकदम सेफली घर आ गया हूँ मैं, तो बस अभी थोड़ा आराम करते हैं, रेस्ट करेंगे, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मतलब वैसे देखने जाओ तो मैं अपनी अभी शक्ल नहीं दिखा सकता, लाइक दिखा सकता हूँ वैसे तो कोई सीन नहीं है, बट तो गाइस अभी के लिए बस नहीं रखते क्योंकि दैट्स इट, थक चुके हैं हम, बहुत थक चुका हूँ मैं, कांच थोड़ा गंदा है इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी कोई नहीं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, कोई भी रीजन से वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, नया सब्सक्राइब कर दो गाइस, मिलते हैं, प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।